Hey guys, good morning. Welcome back to the Hindu News Analysis. My name is Navin Yadav और आज है 22nd of December. चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कोट देख लेते हैं. ये बोलते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन्स इम्पॉसिबल. देखिए, जो चीज़ आपको बहुत टफनेस से मिलती है, यानी कि उसको सब अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं. सिंपल सी बात है, जो चीज़ टफ है उसको सबकी हिम्मत नहीं हो अचीव करने के लिए, या उसके लिए मेहनत लगाने के लिए, उसके लिए डेडिकेशन देने के लिए. ठीक है, तो आपको जो है, अगर आप हार्ड कुछ कुछ भी हार्ड काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसको आप अचीव करेंगे तो आपका जो है खुद ही जो है रिकॉग्निशन हो जाएगा, आपकी अचीवमेंट को सब लोग जो है वाहवाही करेंगे. तो एक बात और समझिए इसके अलावा, कि जो हार्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है. ठीक है, हार्ड का मतलब इम्पॉसिबल नहीं होता. हार्ड ये है कि हाँ, वो आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा, आपको मोटिवेशन को बनाए रखना है, आपका पेशेंस को भी चेक करेगा, आपके हार्ड वर्क को तो चेक करेगा ही, आपके स्मार्ट वर्क को भी चेक करेगा, आपके डेडिकेशन को चेक करेगा, आपके इंस्पिरेशन को चेक करेगा. तो हार्ड कोई चीज़ है तो ठीक है, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है. और जिस दिन आप उस चीज़ को अचीव करेंगे तो उससे बड़ी खुशी आपके लिए कुछ नहीं होगी. ठीक है, हार्ड का मतलब इम्पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी. हार्ड को जो है अचीव करने की कोशिश कीजिए, जो आपको लगता है हार्ड. देखिए, जो आपको हार्ड लगता है वो बहुत लोगों को ईजी भी लगता है ना. ठीक है, कोई एग्ज़ाम में आप सोचते हैं कि मैं रैंक वन लेके आऊँगा, लेकिन किसी ने तो रैंक वन ली है ना, उसके लिए तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क ना रहा हो. तो सिर्फ आपको अपनी पोटेंशियल इतनी बढ़ानी है कि वो हार्ड टास्क को भी आप बहुत आसानी से अचीव कर सकें. उसके लिए इतना डेडिकेशन, पेशेंस, ये सब चीज़ें आपको रखनी है और मेहनत करते रहना है. ठीक है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट हमेशा टॉप पे होना चाहिए. देखिए, रैंक टू को कोई नहीं पूछता. ठीक है, रैंक टू को कोई नहीं पूछता, पूछता है रैंक वन को. तो आपका टारगेट यही होना चाहिए. ठीक है, रैंक टू पे आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, रैंक वन पे होना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो. ठीक है, चलिए, क्या कल चार क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर मैं बता देता हूँ. देखिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर 2019 एज ईयर ऑफ टॉलरेंस. कंट्रीज नहीं आएगा, कंट्री आएगा यहाँ पे. ठीक है, कंट्री, कौन सी कंट्री है जो 2019 जिन्होंने ईयर ऑफ टॉलरेंस जो है डिक्लेयर किया है? आंसर इसका यूएई. सेकंड क्वेश्चन था आपके लिए, इंडियाज फर्स्ट मिलिट्री फ्लाइट बींग ब्लेंडेड बायोजेट फ्यूल. कौन सी फ्लाइट है जो बायोजेट फ्यूल ब्लेंड करके जो है उसको उड़ाया गया था, अभी सक्सेसफुली जो है उसके टेस्ट हुआ था. तो इसका एयरक्राफ्ट का नाम बताना था आपको. आंसर है इसका AN-32. क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपके लिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इसके बारे में आपको बताना था. तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ था आपके लिए, नीति आयोग, देखिए अभी ऑर्गेनाइज किया एक थर्ड एडिशन किसका, वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज अवार्ड 2018. ठीक है, तो ये किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये किया था इंडिया ने, नीति आयोग ने. ठीक है, तो आंसर है इसका यूनाइटेड स्टेट्स. चलिए, आज के चार क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर वन है, विच स्टेट हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू बिकम ए लॉ, ब्रिंग ए लॉ अगोन अगेंस्ट सेक्सटोर्शन. अब आपको ये भी पता होना चाहिए सेक्सटोर्शन क्या है, नहीं पता तो आप सर्च कर दीजिए. तो चार ऑप्शन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश. सेकेंड आपके लिए, नेस्कॉम हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द IIT फॉर ट्रेनिंग वर्कफोर्स इन डिजिटल स्किल. डिजिटल स्किल्स बढ़ाने के लिए कौन सी IIT के साथ जो है नेस्कॉम ने जो है पार्टनरशिप की है? तो आंसर चार ऑप्शन है आपके पास, IIT कानपुर, बॉम्बे, IIT मद्रास या IIT इंदौर. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एवर स्पॉटेड इन अवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सबसे दूर देखा गया है अभी तक? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके लिए ये दिए गए हैं, गोबलिन, फेराउट, बिडेन या आयरिस. क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके लिए, देखिए, यूरोपियन यूनियन हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द न्यू कार एमिशन बाय 37.5% बाय विच ईयर. देखिए, कार का जो एमिशन होता है उसको जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने डिसाइड किया है कि पोल्यूशन को कम किया जाएगा 37% और 37.5% से, लेकिन किस साल तक किया जाएगा ये आपको आंसर बताना है, 2050, 40, 25 या 30. ठीक है, चलिए, इसके अलावा देखिए, आज जो है एनसीईआरटी के जो 100 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं 7th क्लास ज्योग्राफी के, उसके अलावा जो है कल आपको या आज ही आपको शाम को तक 25 क्वेश्चन का और जो है MCQs मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट वीक आपको 3 एनवायरनमेंट की सीरीज का जो लेक्चर चल रहा है वो भी उसका जो मिलेगा, और कल संडे को आपको राज्यसभा के जो भी डिबेट्स आए हैं उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा जो है स्ट्रेटेजीज है. इसके साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ जो 7th क्लास की हिस्ट्री है वो भी स्टार्ट करें.
ठीक है, बिल्कुल जो है डिटेल में करेंगे। देखिए उसके कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाएंगे, जो जो बुक दी हुई है उसी से हम पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, मैप वैप आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, आपको लगता है आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। देखिए कभी भी जो है, एक में एक थोड़ा चीज़ें आपको थोड़ा सा बताता हूँ 2 सेकंड के लिए। कोई भी जब चीज़ आप पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी पढ़े, तो बार बार एनसीईआरटी को पढ़ें। ये नहीं कि एनसीईआरटी की समरी कहीं से पढ़े, एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली फिर आपने कोई और एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लिए, एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे ना, तो चीज़ें जो स्किप होती गई है, जो फर्स्ट रीडिंग में, देखिए फर्स्ट रीडिंग में आप 50-60% चीज़ें ग्रैब कर पाते हैं, सेकेंड रीडिंग जाएंगे तो आपको जो बची हुई 20% थी वो पता चलती है, थर्ड रीडिंग में जाएंगे तो फिर आप 95 तक पहुंच पाते हैं, और फोर्थ रीडिंग में जो है आप जाके पूरी क्रक चीजों को समझ पाते हैं और पूरा जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बुक से ही दिखा के पढ़ाऊं, ताकि आप जब आप भी जब बुक उस बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए जो मैं 50-60% जो चीज मैं तैयार करा दूं आपको, उसके बाद आपके लिए वो आसान हो जाएगा। आपको लगेगा यही चीज तो मुझे पढ़ाई गई थी, यही तो लाइनें थी जो बार बार बोली गई थी। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। देखिए डिफरेंट सोर्स से मत पढ़िए कभी भी, याद रखिए एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी से ही पढ़िए, और मैं भी उसको एनसीईआरटी से ही कवर करूंगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी ध्यान रखिए। काफी बार हम एक चीज को मल्टीपल सोर्स से पढ़ते हैं, कहीं हम समरी पढ़ते हैं उसकी, कहीं हम कुछ और पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर ना एक सेंस ऐसी नहीं आती कि हमने कंप्लीट कर लिया, हमेशा उस डायलेमा में रहते हैं हम। तो कोशिश कीजिए एक ही बुक को बार बार पढ़े, और कहीं आपको पढ़ाया भी जा रहा है तो उस बुक को ही दिखा के पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट से पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट रहता है। चलिए इसके अलावा देखिए, मैं न्यूज़पेपर का भी इसीलिए लगाता हूँ, आप न्यूज़पेपर की फीलिंग आए आपके अंदर कि हाँ न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर की एक एक चीज आपको दिखेगी तो आपको फील आएगी और आपको एक सेल्फ जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए कौन कौन से डिस्कस करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ये बिहार की राजनीति से रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये हम पढ़ेंगे कि सीरिया से, अभी आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है एग्जिट करने की बात कही है, कि उनके अब जो सोल्जर्स कोई नहीं रहेगा सीरिया के अंदर, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या ये गलत स्ट्रेटेजी है, सही है, ये हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए अच्छा आर्टिकल है, फेसबुक का जो डेटा लीक होता है या फेसबुक का जो डेटा स्टोर होता है उसके बारे में आर्टिकल है, कि कैसे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें क्या क्या हार्म हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो है क्या क्या हुआ, फेसबुक पे कौन कौन से केसेज आए, स्कैंडल्स हुए। ठीक है, कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज एनालिटिका जो स्कैंडल हुआ, तो वो सब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये अच्छा आर्टिकल है, वैसे हम मालदीव्स के बारे में काफ़ी चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि मालदीव्स के रिलेशन जो है पहले खराब थे, कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, इसमें हम जो अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, ठीक है, मोहम्मद सोले, उन्होंने जो विजिट की है इंडिया की, इसके बारे में भी दिया गया है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमें मालदीव्स का जो है हमारा इंडिया मालदीव का रिलेशन पूरा जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सैटरडे का होता है, ग्राउंड जीरो के बारे में, ये आइलैंड के बारे में बताया, केरला का आइलैंड है। ठीक है, वो अभी जो है धीरे धीरे जो है उसका सी लेवल राइज हो रहा है, तो वो जो है आइलैंड धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो बहुत माइनर डिटेल्स होती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए ये सीरिया है, और यहां से अभी तो आपको पता है कि यहां पे यूएस फोर्सेस थी, और आपको पता है आईएसआईएस बढ़ा। ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, फिर इसके बाद जो आईसिस इसको बोलने लग गए, उसके बाद क्या हुआ इराक से, तो ये चीज जो है खत्म नहीं हुई धीरे धीरे, लेकिन सीरिया गवर्नमेंट को जो है मदद की किसने, रशिया ने, रशिया ने मदद की, तो यहाँ का जो आईएसआईएस है ये इसका जो करीबन जो 90% होल्ड था वो खत्म हो गया। अभी जो है यूएस यहाँ से विड्रॉ कर रहा है, यूएस कह रहा है कि अभी हमारी जरूरत नहीं है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर कंट्रोल कर लिया है, आईएसआईएस जो था इस्लामिक स्टेट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी उस पर कंट्रोल कर लिया गया है मोस्टली, अब हम छोड़ रहे हैं। तो इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ। ठीक है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ये हमारा इंडिया, इधर से आएंगे पाकिस्तान, ईरान, इराक और फिर सीरिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये है मेडिटेरियन सी, नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, यहाँ जॉर्डन है, तो ये सब चीजें याद रखिए आप। चलिए देखिए इस आर्टिकल में क्या कहते हैं, कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का डिसीजन है कि एकदम जो यूएस जो आर्मी है वहां से अभी पुल आउट कर रही है सीरिया से, और ये कह रहे हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये एक तरह से स्टेप लिया है, और ये अपसेट था। ठीक है, ये प्रिडिक्ट तो था, यानी कि प्रिडिक्टेबल तो था कि ये करना ही है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला था, लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसी वो अनप्रिडिक्टेबल भी बहुत चीजें करते हैं। ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं पूरा जो है एस्टेब्लिशमेंट है, वॉशिंगटन की एस्टेब्लिशमेंट है, या फिर जो इनके ग्लोबल अलाइज है इनको ये जो है अपसेट करने वाली न्यूज़ है। इसके अलावा कहते हैं जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो थे जेम्स मैटिस, उन्होंने जो है क्विट कर दिया, और जो कुछ अलाइज भी हैं ये भी कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट जो इन्होंने काफ़ी बोला कि देखिए इस्लामिक स्टेट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें उसकी सीरिया के साथ बैटल चल रही है, तो अभी आप बिल्कुल पुल आउट मत कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं माना। देखिए ट्रंप ने
यूएस के जो है कैंपेन, जब जिस समय इलेक्शन हो रहे थे कैंपेन किया था, और उन्होंने बोला था यूएस फोर्सेस को जो भी बाहर लड़ रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आ रही, उसको हम वापस बुला लेंगे, और अपने वादे को पूरा करते हुए ये डिसीजन लिया है। लेकिन ये बताते हैं कि ये डिसीजन अभी काफ़ी जल्दी ले लिया गया है। देखिए, इसके लिए थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, और जो है तरीके से जो है चीज़ों को सोल्व होने देना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि ये जो है ट्रंप ने क्लेम किया कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईएसआईएस जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है, और यूएस ये कह रहे हैं कि अभी ये वॉर को छोड़ सकता है, क्योंकि जो जिहादिस्ट ग्रुप थे, सीरियन गवर्नमेंट जो है उन पर अपना कंट्रोल काफ़ी कुछ कर चुकी है और आने वाले टाइम में कर लेगी। और ये कह रहे हैं कि और जो फोर्सेज है, चाहे रशिया हो ईरान हो, वो काफ़ी अच्छे से मदद कर रही है सीरियन गवर्नमेंट की, तो यहाँ पे जिहादिस्ट जो ग्रुप है वो आगे शायद नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा सोचते हुए यूएस ने वहाँ से पुल आउट कर लिया है। ये इन्होंने एक और डेटा बताया, कह रहे 95% जो टेरिटरी है, ठीक है, आईएसआईएस की, वो पूरी जो है अभी उनका कंट्रोल था वो खत्म हो गया, और सिर्फ जो छोटी मोटी जगह पे इराक सीरिया के कुछ कुछ बॉर्डर्स पे जो है नैरो पॉकेट्स में वो लोग बचे हुए हैं, तो उस पर भी शायद जल्द ही सीरियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेगी, राइट। ये कह रहे कि देखिए, यूएस भी नहीं चाहता था कि वो सीरिया में हमेशा के लिए अटक जाए, जैसे अफगानिस्तान में 17 साल तक अटका रहा, इराक के अंदर 15 साल से अटका रहा, वहाँ अपने अपनी फोर्स भेजी लेकिन कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आया, तो ये नहीं चाहते थे सीरिया के अंदर भी ऐसे ही अटक जाए। और यूएस को कहीं ना कहीं ये भी बात लगती है कि ये जो पूरा वॉर है रशिया का वॉर है, क्योंकि रशिया ने वहाँ की असद जो गवर्नमेंट है सीरिया की, उसको सपोर्ट किया, रशिया और सीरिया गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, और आईएसआईएस को जो है बिल्कुल इन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया, और धीरे धीरे सीरियन गवर्नमेंट ने जो है पूरा रिकवर कर लिया, राइट। तो ये कह रहे इसी चीज को सोचते हुए प्रेसिडेंट ने देखिए ये डिसीजन लिया, लेकिन फाइनली कहते हैं जो डिसीजन लिया है ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर जो है मिस्टर ट्रंप जो है उनको थोड़ा सोचना चाहिए था, स्ट्रेटेजिकली थोड़ा टाइम देना चाहिए था, और पॉलिसी को पूरा एक बार सोच समझ के इंप्लीमेंट करना चाहिए था। ये कहते हैं यूएस के जो है अभी भी 2000 ट्रूप्स वहां पे है, लेकिन ये कह रहे हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ग्राउंड बैटल में इन्वॉल्व नहीं है, ये वहां की जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है, ठीक है, एक रिबेल ग्रुप है, कुर्दिश रिबेल्स जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो आईएसआईएस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, यानी कि यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, ये क्या है, एक रिबेल ग्रुप है, जो जिसको कौन लीड कर रहा है, कुर्दिश रिबेल, ठीक है, और कुर्दिश रिबेल किसके अगेंस्ट है, आईएसआईएस के, तो कहीं ना कहीं यूएस भी जो है किसके अगेंस्ट हो गया, आईएसआईएस के। तो ये कह रहे थे कि यूएस ने सपोर्ट किया कुर्दिश रिबेल को, लेकिन इसका एक और लॉस हुआ। देखिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए ये यहाँ पे टर्की है, एक सेकेंड, ये देखिए ये सीरिया के ऊपर आपको टर्की दिखाई दे रहा है, नॉर्थ में, सीरिया के नॉर्थ में आपको टर्की दिखाई दे रहा है, ये अब देखिए ये जो सीरिया का बॉर्डर है, यहाँ पे जो बॉर्डर है और टर्की से मिलते हुए, यहाँ पे कुर्दिश लोग रहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, यानी कि इस एरिया को और बढ़ा के वो कुर्द, जितने कुर्द्स हैं वो मिलके जो है कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, कुछ एरिया सीरिया में भी है, इराक में भी है, टर्की में भी है, लेकिन टर्की गवर्नमेंट कुर्दिश के अगेंस्ट है, उनको लगता है कहीं ना कहीं ये कुर्दिश रिबेल है, ये हमारा एरिया जो है ग्रैब कर सकते हैं, यानी कि टर्की से अलग होकर टर्की का जो एरिया ले सकते हैं। अब देखिए जो कुर्दिश रिबेल है उनको अगर यूएस सपोर्ट करता है, और कुर्दिश रिबेल के अगेंस्ट कौन है, टर्की, तो कहीं ना कहीं यूएस और टर्की के रिलेशन भी खराब होते हैं। तो यही वही बात बताते हैं कि देखिए अभी जो कुर्दिस्तान है उसको बढ़ाने की, कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी है वो भी जो है कुर्दिस्तान को जो है एक प्रॉपर रूप देना चाहती है, एक प्रॉपर कंट्री की तरह एस्टेब्लिश करना चाहती है, और टर्की की जो फोर्सेज है वो इसके अगेंस्ट है, और करीबन 10 सालों से ये लड़ाई इनकी चल रही है। तो अगर यूएस इसको सपोर्ट कर रहा था या कर रहा है आने वाले टाइम में, तो टर्की को जो है इसका लॉस होने वाला है, क्योंकि देखिए अभी यूएस अगर पुल आउट भी कर जाएगा तो ये जो कुर्दिस्तान जो है, ये कुर्दिश जो रिबेल से और ज्यादा इमर्ज हो सकते हैं, और हो सकता है आईएसआईएस जिसको दबा के रखा हुआ था वो आईएसआईएस भी दोबारा इमर्ज हो जाए। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए अभी ऐसा नहीं करना था चाहिए था, ट्रंप को जो है थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था, और जब तक उनको पूरी एश्योरेंस नहीं मिल जाती कि सीरियन कुर्द जो है वो अटैक नहीं करेंगे टर्की के ऊपर, टर्की ट्रूप्स के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और टर्की के ट्रूप्स जो है वो भी सीरियन कुर्द पे नहीं करेंगे, और ये यानी कि टर्की का जो पूरा एरिया है उस पर कुछ कैप्चर नहीं करेंगे, ये बताते ये सब चीज़ें को पूरा अश्योरेंस लेने के बाद ही जो है यूएस को पुल आउट करना चाहिए था। ये कह रहे कि हो सकता है कि दोबारा कुर्द जो है रीचैनलाइज हो जाए और जो है वो टर्की सोल्जर से फिर से लड़ाई स्टार्ट कर दें, और ये कह रहे कि हो सकता है जो जो रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया था आईएस मिलिटेंट के अगेंस्ट वो जो है फिर से जो है इमर्ज कर जाए। तो ये कह रहे हैं कि बेटर यही था कि इनको वेट करना चाहिए था, और एक अभी धीरे धीरे जो है वैक्यूम क्रिएट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट सीरिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी यूएस पुल आउट कर रहा है। तो ये पूरा जो है आर्टिकल था।
चलिए सेकंड आर्टिकल है, देखिए फेसबुक का जो डेटा लीक है उससे रिगार्डिंग, फेसबुक का क्या क्या डेटा लेता है हमारा, कैसे कैसे जो है बार बार ये न्यूज़ आई है कि फेसबुक में हमारा डेटा कितना जो है लीक हो रहा है, कितना हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, इवन व्हाट्सएप को भी एक्वायर करने के बाद। तो देखिए व्हाट्सएप का डेटा और फेसबुक का डेटा, आप कितना हम दिन में डेटा जो है यूज़ करते हैं और कितनी हमारी पिक्चर्स होती है, हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल जो डेटा होता है वो सारा फेसबुक के पार कहीं ना कहीं स्टोर है और जो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। इसी के लिए पूरा ये बताते हैं, देखिए फेसबुक का मोटो था स्टार्टिंग में क्या था, मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये बताते हैं कि ग्लोबली जो है ऐसी चीज़ें देखने को मिली, प्राइवेसी ब्रीचेस देखने को मिले, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हुए। आपको पता है यूएस के अंदर पूरा ऐसा माना गया कि यूएस की जो इन्फ्लुएंस है, यूएस के जो इलेक्शन हुए उसमें भी इन्फ्लुएंस देखने को मिला। इसके अलावा कहते हैं कि एक डिस्क्लोजर हुआ, अभी एक इन्वेस्टिगेशन हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स जो मैगजीन है उनके थ्रू एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें ये पाया गया कि फेसबुक का जो डेटा है, ठीक है, वो टॉप मैनेजमेंट से उनके साथ जो है शेयर किया जाता है। देखिए टॉप मैनेजमेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा तो जो है वो डेटा जब दूसरी कंपनीज के पास वो डेटा जाएगा तो कंपनी जो है कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसको पता चलेगा ये कंज्यूमर जो है बार बार शॉपिंग करता है, ठीक है, तो वो जो है उस तरह की एड्स उनको देने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो है शेयर करना, डेटा आपका डेटा शेयर करना, आपकी प्राइवेसी को ब्रीच करना, ये काफी घातक हो सकता है। ये कह रहे हैं कुछ केसेस में तो ऐसा भी समझ आया है कि प्राइवेट चैट्स जो हैं लोगों की वो भी जो है शेयर हो जा रही है। तो वही बताते हैं कि देखिए पूरा हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो हमने पूरा डिस्क्लोजर देखा, कैसे हमने देखा कि जो सिविल सोसाइटीज हैं वो फाइट कर रही थी आज से नहीं पहले से ही नेट न्यूट्रैलिटी के खिलाफ। नेट न्यूट्रैलिटी क्या है, देखिए फेसबुक एक कॉन्सेप्ट लेके आया था नेट न्यूट्रैलिटी। इसमें क्या था कि जो है कुछ, यानी कि जो गरीब लोग हैं या जो फिर एक्सेस नहीं कर सकते, जो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, या सभी के लिए समझ लीजिए कि फेसबुक का जो बेसिक जो फंक्शन होंगे वो फ्री मिलेगा, यानी कि बेसिक साइट्स भी जो हैं फ्री अवेलेबल होंगी, उसके लिए आपको मोबाइल का नेट के भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नेट न्यूट्रैलिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। इसके अलावा जो है और साइट्स के लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा, लेकिन जो है इसके खिलाफ जो है पूरा सभी अगेंस्ट हो गए, इंडिया भी इसका अगेंस्ट था कि ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं कि आप इस तरह फ्री बेसिक का कॉन्सेप्ट लेके आए और जो वेबसाइट्स हैं उसका जो है डेटा पैसे जो है यूज दे के हमें यूज करना पड़े। लेकिन ये कह रहे हैं कि पूरा आर्ग्यूमेंट तो चलता ही रहा। फेसबुक ने बोला कि देखिए हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं कि सभी जो है डिजिटली कवर हो जाए, लेकिन ये बता रहे हैं एक मेजर चीज जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए ये जो फ्री बेसिक वाला जो ये कॉन्सेप्ट था इसको तो रद्द कर दिया गया कि नहीं, जो आप ये नेट न्यूट्रैलिटी का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ये ठीक नहीं है। लेकिन ये बोल रहे हैं एक चीज़ ये है, लोगों ने ये चीज़ समझने की कोशिश नहीं की या इसको नोटिस नहीं किया कि जो और जो डेटा है या पर्सनल डेटा है लोगों का, जो उसको कैसे जो है पर्सनल डेटा जो है उसको कैसे फ्री जो बेसिक प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता है, ठीक है, यानी कि जो फेसबुक है वो कैसे जो है डेटा को पूरा यूज़ करता है, इस चीज़ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो पूरा डेटा कवर होगा इस, यानी सपोज कीजिए मैं आज इंटरनेट यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन मुझे फ्री इंटरनेट मिलने लगता है फेसबुक को या कुछ और साइट जो है मुझे फ्री मिलने लगती है, मुझे इंटरनेट लेना भी नहीं पड़ेगा तो मैं भी यूज़ करने लगूंगा। अब देखिए ये डेटा किसके पास स्टोर होगा, ये तो जाएगा किसके पास, फेसबुक के पास ही, क्योंकि फेसबुक ये पूरी स्कीम लेके आए। तो इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये डेटा जो लेके जाएंगे ये फ्री बेसिक के तहत, इसका क्या किया जाएगा और इसको कैसे स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए कहते हैं कि देखिए कोई ऐसा डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी नहीं है इंडिया के अंदर, तो ठीक है, और कोई ऐसा प्राइवेसी कमिश्नर नहीं है जो इन्वेस्टिगेट कर सके, इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकता, जो फ्री बेसिक का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे थे। इसके अलावा बताते हैं देखिए फेसबुक जो एक बहुत बड़ा डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट हो गया है और बहुत ज़्यादा डेटा ये स्टोर कर रहा है हमारा, दिनों दिन कितना डेटा इन लोगों के पास स्टोर हो रहा है। और ये कह रहे हैं इसके अलावा तो जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस के साथ भी ये जो है अपना डेटा शेयर करते हैं और एप्लीकेशन इनके साथ डेटा शेयर करती है। आप सपोज कीजिए आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है, ठीक है, तो वो डेटा इन्होंने शेयर कर दिया फेसबुक को और फेसबुक ने जो है इनको एक्सेस दे दिया। तो अब देखिए एप्लीकेशन का डेटा भी फेसबुक के पास जाने लगा, यानी कि अब फेसबुक को ये भी पता लगने लगा कि ये इंसान जो है इस टाइम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसको इस तरह की एड्स भेजी जाएंगी जिससे जो है ये फेसबुक पे आपको वही ऐड दिखेंगे और आप जो है उसको सब्सक्राइब करेंगे या फिर उसको जो है उन बुक्स को खरीदेंगे जो ये जो आपको दिखाई जाएंगे। तो इससे जो है कहीं ना कहीं पूरा आपका जो है डेटा जो है लीक हो रहा है। ये कह रहे हैं व्हाट्सएप को भी एक्वायर किया, उसके बाद जब ये पूरी न्यूज़ आई कि आपका डेटा जो है लीक हो रहा है, कुछ प्राइवेसी जो पॉलिसीज है उनमें भी चेंजेस किए गए। इसके बाद उन्होंने बोला कि हम जो मेटा डेटा है उनको शेयर नहीं करेंगे या उनको जो है यानी कि फेसबुक को शेयर करेंगे, सिर्फ मेटा डेटा शेयर करेंगे, ठीक है, और कुछ शेयर नहीं करेंगे। मेटा डेटा
डेटा में देखिए पूरा डेटा नहीं होता, सिंपल बेसिक बेसिक डेटा होता है कि आपने कितनी देर एक्सेस किया, कौन कौन सी साइट्स किया, कौन कौन सी साइट्स में क्या एक्सेस किया, ये नहीं होता है। सिर्फ मेटा डेटा में प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो फिर कुछ और भी चेंजेस किए गए इसके अलावा बताते हैं कि देखिए फिर ये इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया और वहाँ पे जो है कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा कर नहीं पाई, यानी कि हाई कोर्ट ने भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उस समय डिस्प्यूट चल रहा था। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में केस गया, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, आपको पता है BN श्री कृष्णा, इस पर हमने काफ़ी बार जो आर्टिकल पढ़े हैं और मैंने काफ़ी जो है इस पर बताया है कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, इन्होंने BN श्री कृष्णा, इन्होंने बोला कि देखिए प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया, पुट्टू स्वामी का जजमेंट आया था, प्राइवेसी को जो है फंडामेंटल राइट्स घोषित कर दिया गया। लेकिन ये बोलते हैं व्हाट्सएप और जो फेसबुक का केस था, ठीक है, कि दोनों के बीच में जैसे डेटा शेयरिंग हो रही है या फिर डेटा स्टोर हो रहा है, वो केस आज भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये कह रहे हैं मार्च 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका जो है इसको भी एक्सपोज करने का, और भी जो है इसको पता चला कि कैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका जो पूरा डेटा फेसबुक से लेती थी और उसको जो है आगे यूज करती थी। इसके अलावा देखिए ये बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ के कुछ विसल ब्लोअर जो थे, एनालिटिकल जो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो था, इसके कुछ विसल ब्लोअर ने ये भी बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी एक नेशनल यानी कि हमारी पार्टी है, वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और जो डेटा यूज़ करवा रही है अपने इलेक्शन फेवर के लिए और इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि देखिए इंडिया के अंदर जो है कुछ कोशिश की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है उन्होंने कुछ कोशिश की, फेसबुक को लेटर लिखे, वहाँ के जो CEO है उनको बुलाया, जुकरबर्ग को इंडिया के अंदर, उनके जो है स्टेटमेंट ली गई और उनसे पूछा गया। लेकिन ये बता रहे हैं कि देखिए करंटली हम बात करें जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है IT के ऊपर 2018 में, उन्होंने भी जो है एग्जामिन किया इशू को, CBI को भी इशू भेजा गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर चल क्या रहा है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि जो स्टैटिक्स थे इसके, ऐसा पाया गया कि करीबन 5,62,000 जो इंडियंस हैं इनको भी इम्पैक्ट हुआ है, किससे, कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो डेटा जो है पूरा यूज किया गया इधर उधर। इसके अलावा बोलते हैं कि देखिए इंडिया के पास ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अभी भी नहीं है, एंटायर जो वेव्स है डिजिटलाइजेशन की वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, इंडियन सोसाइटी भी जो है धीरे धीरे लिंक होती जा रही है, तो क्या गारंटी है कि हमारा जो है वेलफेयर को ध्यान रखा जाएगा, हमें हमारा जो डेटा है वो लीक नहीं होगा, ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या ऐसा कर रही है। ये कह रहे हैं कि देखिए प्राइवेसी लॉ के बारे में एक मूवमेंट चला पूरा, ठीक है, कुछ महीनों तक, और ये हुआ कि देखिए प्राइवेसी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो आपका डेटा प्रोटेक्शन लॉ आप लेके आ रहे हैं उसको ऐसा अच्छा लेके आना चाहिए, गवर्नमेंट को हमारा डेटा यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके आर्टिकल के बारे में हमने कल पढ़ा था, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल, इसमें गवर्नमेंट जो है आपका DNA तक सब कलेक्ट कर रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये वही बात बोलते हैं कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी देखिए नोटिफिकेशन जारी किया अभी रिसेंट, और इसी के ऊपर जो है पूरा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पूरा डिबेट चल रहा है कि जो 10 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो जो डिजिटल सर्विलांस कर सकती है, इनके आपका फ़ोन टैपिंग भी हो सकता है, आप क्या एक्सेस कर रहे हैं सब चीज़ें वो एक्सेस कर सकती है, इसी के ऊपर पूरा डिबेट चल रहा है कि देखिए ये चीज़ गलत है, ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है, ठीक है। और ये बताते हैं कि देखिए ये कहते हैं कि हमें जो लार्ज प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हो गया, तो इनके साथ जो है हमें इनकी स्क्रूटनी टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी, अदरवाइज धीरे धीरे इतना अनएथिकल कंडक्ट ये कर चुके होंगे कि काफ़ी लोगों को जो है इसका नुकसान होने वाला है आने वाले टाइम में। ये बताते हैं कि देखिए प्रॉपरली जो है हमें हार्नेस करना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन को, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हमें समझना पड़ेगा, एक हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेसी लॉ लेके आना पड़ेगा कि जो कौन कौन से डेटा है जो यानी कि जिसको स्टोर कर सकता है, कौन से डेटा को नहीं कर सकता। और बीच में अभी पता है आपको कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया का जो भी डेटा है वो इंडिया के बाहर स्टोर नहीं होगा, राइट। ये कहते हैं देखिए हम वर्ल्ड के जो है सेकंड नंबर के यूजर हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, और अगर हमारी कंट्री के अंदर भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी या प्रॉपर लॉज नहीं होंगे कि क्या हमें जो है यूज करना चाहिए या क्या हमारा डेटा स्टोर होना चाहिए, तो ये जो है हमारे लिए काफी खतरनाक है। पार्लियामेंट प्रोसेस से देखिए कुछ रेगुलेटरी रेस्पॉन्स लेके आना चाहिए और इस चीज को जो है जल्द से जल्द सोल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज हमारे लिए भी खतरा ही है, हमारा डेटा अगर लीक होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारी इमेज के लिए भी खतरा होता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। इसके अलावा मालदीव से रिगार्डिंग आर्टिकल, मालदीव की लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आइलैंड है काफी बड़ा, ठीक है, ये आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड से यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसकी कैपिटल है माले, और ये देखिए यहाँ से आपको तकरीबन पता है कि यहाँ से जो है 0 डिग्री गुजरता है, इक्वेटर जिसे बोलते हैं,
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ी लोकेशन देखते रहेंगे। ये मालदीव, ये हो गया, ये मालदीव हो गया, यहाँ पे श्रीलंका है, और इंडिया के जो, ये समझ लीजिए कि जो टिप है यहीं के आसपास से जो है स्टार्ट होता है मालदीव्स, और नीचे तक जाता है 0 डिग्री, और इंडिया का ये टिप कहाँ तक है, 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री पे लेटिट्यूड पे। चलिए इसके अलावा देखिए आर्टिकल में क्या बोलते हैं, देखिए बताते हैं कि अभी जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, मोहम्मद सोलह, इब्राहिम मोहम्मद सोलह अभी इंडिया के अंदर आए, और काफ़ी अच्छे से जो है इंडिया की जो है, इंडिया के बारे में इन्होंने बातें बोली। इन्होंने बोला कि इंडिया जो है, इंडिया मालदीव जो है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी यूज़ करता है, यानी कि इंडिया को जो है फर्स्ट मान के चलता है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि देखिए पहले हमारे रिलेशन खराब हो चुके थे, पिछले 5 साल से जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, वो कहीं ना कहीं बहुत अथॉरिटेरियन थे, चाइना को जो है काफ़ी चाइना के क्लोज थे, और इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन ये बताते हैं नए जो गवर्नमेंट आई है उसका विज़न अलग है, उसका जो 2 मेन एम है, डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है, ये चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया जो है क्लोजेस्ट नेबर है, ठीक है, किसका, मालदीव्स का, मालदीव्स ने ये बात बोली। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट ने भी, देखिए ये चीज़ें याद रखनी है आपको, क्लोजेस्ट नेबर, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, क्योंकि यही सब चीज़ें जो आपको लिखनी है मेंस के अंदर। इसके अलावा देखिए बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट ने भी ये बात बोली, इंडिया जो है, इंडिया अटैचेज द हाइएस्ट इंपॉर्टेंस टू इट्स रिलेशनशिप विद मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स के साथ हमारे हाइएस्ट इंपॉर्टेंस है, और उसके रिलेशंस के साथ जो है हम एक अच्छे से जो है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देखिए वहाँ जो सोलह प्रेसिडेंट है उनकी इनोग्रेशन पे गए, और पहले अकेले ऐसे हेड ऑफ गवर्नमेंट थे जो वहाँ पे गए। इसके अलावा देखिए पहले एक बार जाना था, 2 साल पहले की बात है, जो उस समय जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए थे, क्योंकि उस टाइम जो वहाँ के प्रेजिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन, ये कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में नहीं थे। इसके अलावा देखिए इंडिया ने काफ़ी मदद की, बजट डेफिसिट जो वहाँ पर काफ़ी हो गया, डेवलपमेंट चैलेंजेस बहुत है मालदीव्स के अंदर, तो इंडिया ने 1.4 बिलियन का असिस्टेंट पैकेज भी दिया है। और ये मोस्टली असिस्टेंट पैकेज है, कहाँ कहाँ यूज होगा, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, वाटर में, सैनिटेशन में, ठीक है, एक अच्छी जो है अच्छी चीजों में ये यूज होगा, तो ये भी इंडिया के लिए बेनिफिशियल है कि वो मदद कर रहे हैं मालदीव्स की, और मालदीव्स के लिए तो है ही कि उनका जो ओरिजिनल नॉर्मली जो डेफिसिट हो गया है उसको कहीं ना कहीं इंडिया उसकी भरपाई कर रहा है। इसके अलावा और किन किन चीजों पर जो है आने वाले टाइम में या और उस पर जो है अच्छा हो सकता है, जैसे इंडिया भी कह रही है कि वीजा फैसिलिटेशन दे रहे हैं इंडिया, जो इसके मालदीव्स का कोई भी घूमने आता है तो इजीली उनको वीज़ा मिल सके, और मालदीव्स तो ये ऑलरेडी पहले दे चुका है। उसके अलावा 1,000 जो एडिशनल ट्रेनिंग स्लॉट्स बनाए गए हैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, क्लोज कोऑपरेशन होगी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इश्यूज में, उसके बाद जो है सपोर्ट किया जाएगा मालदीव्स को, ठीक है, और मालदीव्स जो है कोशिश की जाएगी मालदीव्स जो है दोबारा कॉमनवेल्थ को ज्वाइन कर ले, और उनकी एंट्री जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है IORA, इसके अंदर भी कोशिश की जाएगी कि मालदीव्स को ऐड किया जाए। इसके अलावा बोलते हैं 4 एग्रीमेंट मेजर मेजर जो है उनके अंदर जो है साइन हुआ है। मेजर किस किस के अंदर है, IT के अंदर, ठीक है, कल्चर, एग्री, बिजनेस और वीजा अरेंजमेंट, तो इन चीज़ों पे जो है फोकस किया गया है। इसके अलावा देखिए अश्योरेंस भी दी गई मालदीव्स की तरफ की, इंडिया की जो कंसर्न है, ठीक है, इंडिया की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी, उस कंसर्न को जो है मालदीव ध्यान रखेगा, और चाइना के जो, चाइना ने कुछ आइलैंड्स पे जो है यानी कि मिलिट्री पर्पज के लिए एक्सेस लिया है मालदीव से, तो उनका भी जो है पूरा डेटा वगैरह दिया जाएगा इंडिया को, ये नहीं है कि इंडिया को जो है खतरे में डाला जाएगा, राइट। ये कह रहे हैं कि और भी कुछ दो बोला कि दोनों कंट्री के जो एस्पिरेशंस है, इंडिया भी चाहती है स्टेबल रीजन रहे, तो मालदीव्स ने भी बोला कि मालदीव्स भी यही चाहता है, और जो हमारी मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसको भी बढ़ाया जाएगा इंडियन ओशियन के अंदर। इसके अलावा देखिए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन नेवी और जो कोस्ट गार्ड है वो कोऑपरेट करेगी वहाँ के मालदीव्स के जो पेट्रोलिंग एजेंसीज है उनके साथ, एयर सर्विलांस होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये भी अपना डेटा शेयर वगैरह कराया जाएगा इनमें, और जो टेररिज्म है या फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है इनको पूरा, यानी कि इनके रिगार्डिंग जो है कलोबरेट किया जाएगा। इसके अलावा बोलते हैं देखिए हमारे वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया के काफ़ी लोग हैं मालदीव्स के अंदर, और उनको कहीं ना कहीं और भी लोग वहाँ के मालदीव्स के भी कुछ लोग हैं जो इस्लामिक स्टेट में जो है, सीरिया, इस्लामिक स्टेट अभी जो सीरिया का पढ़ रहे थे उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि जब ये पुरानी गवर्नमेंट आई थी तो पिछले वाली गवर्नमेंट, तो काफ़ी जो है रेडिकलाइजेशन वहाँ हो गया, तो इसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है, ये भी इंडिया के लिए घातक हो सकता है, राइट। इसके अलावा बोलते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में भी जो है दोनों कंट्री अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा बायलेटरल ट्रेड भी हमारा 200 मिलियन तक पहुँच गया, मिलियन डॉलर, 200
मिलियन डॉलर तक। इसके अलावा देखिए, सोले ने ये भी बोला कि बिजनेस जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करा और बोला कि इंडिया, मालदीव जो है अभी दोबारा खुला है, इंडिया आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, राइट। और ये बताते कि देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो कंट्रीज है उनको समझ आने लगा है कि जो चाइना है उनका ऑब्जेक्टिव अलग है इंडिया से, उनकी जो इकोनॉमिक कैपेबिलिटी तो अलग है ही, उनकी जो डिप्लोमेसी असर्टिव डिप्लोमेसी है, यानी कि वो कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डेप्ट या पैसा देके इतना कब्जा सा जमाने की कोशिश करते हैं, जो कि इंडिया के लिए एक बेनिफिट है। इंडिया को जो है अलग रूप में देखा जाता है, इंडिया जो है मदद करने के रूप में देखा जाता है, कि इंडिया जो एसेट्स है एक फ्रेंड की तरह देखा जाता है, राइट। ये कहते हैं अगर हम कुछ देखें आसपास की कुछ कंट्रीज की बात करें, श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर जो है अभी रेनिल विक्रमासिंघे दोबारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और ये पूरा इंडिया के फेवर में थे। मॉरिशियस हो, सेशेल्स हो, यहाँ भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है और श्रीलंका को भी ये चीज़ समझ आने लगे कि जो है चाइना के साथ रिलेशन जो है उससे हम उनका डेप्ट डेप्ट क्रिएट हो रही है, डेप्ट ट्रैप के अंदर वो फंस रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छी एक अच्छी ग्रुपिंग है इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशियस और सेशेल्स, और मिलके अगर ये काम करेंगे तो मैरिटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को काफी अच्छे से अटेन कर सकते हैं वो बहुत कम टाइम में। ये देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ मालदीव में मैंने आपको दिखाया, यहाँ सेशेल्स है, इसी के बिल्कुल वेस्ट में आप जाएंगे, नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे मॉरिशियस है और यहाँ पे ये श्रीलंका है। तो ये कह रही है ये सब कंट्रीज जो है मिलके एक तरह से अच्छा रिलेशन जो है आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा ये बताते हैं सागर स्कीम जो है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भी जो है अभी अनाउंस किया था 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, और इसमें भी फोकस किया जा रहा है कि सभी जो है दो मेजर गोल है इन पे जो है इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाए, किस किस पे, जो नेबर कंट्रीज है उनके कंसर्न जिस सिक्योरिटी चैलेंजेस पे हैं, सेकंड है जो उनकी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको भी कैसे जो है बढ़ाया जाए, हार्नेस किया जाए। तो इन मेजर दो चीज़ों पे जो है सागर जो पूरा एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये बताते हैं और भी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी हमारे प्रेसिडेंट विजिट करेंगे, जैसे केनिया वगैरह हो गया, तो यहाँ से भी हम जो है इनकी भी मदद कर सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी जो है होस्ट होगी, कहाँ, किसके लिए, ब्लू इकोनॉमी से रिगार्डिंग, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी, और इसमें भी हो सकता है केनिया जो है इंडिया को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। इसके अलावा ये न्यूज़ है, देखिए अभी एक एक देखिए इंडेक्स निकाला है नीति आयोग ने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। इसके अंदर क्या है, देखिए टोटल 16 सस्टेनेबल गोल हैं जिनको अचीव करना है इंडिया को, ठीक है, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड को ही अचीव करना है, जिसमें क्या क्या है, जैसे ये देखिए यूनाइटेड नेशन के ये गोल्स हैं, सस्टेनेबल गोल क्या क्या गोल्स हैं इसके अंदर, देखिए पॉवर्टी खत्म करनी है 2030 तक, ये गोल का अचीव करना है, 2015 से 2030 के बीच में जो है 15 साल का ये गोल है, पॉवर्टी एंड करना है, हंगर खत्म करनी है, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। ये एक बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कल को कोई आपको गोल पूछ लिया जाए कि ये गोल है या नहीं तो आपको याद रहे। इसके अलावा एंश्योरिंग एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल मॉडर्न एनर्जी, इसके अलावा प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, मेक सिटी सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। उसके बाद सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन पैटर्न, कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन मैरीन रिसोर्सिस, प्रोटेक्ट यह है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। तो ये जो मेजर 16 गोल है जो है इसके ऊपर ध्यान दिया गया है और इसके ऊपर देखिए डेटा निकल के आया है और इंडिया ये नीति आयोग है इसने डेटा निकाला है कि कौन कौन सी जो है स्टेट्स आगे चल रहे हैं, कौन सी स्टेट्स पीछे चल रहे हैं। देखिए रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की देखिए रैंकिंग 57 है, लेकिन अगर अभी की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो बताते हिमाचल, केरला और तमिलनाडु, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और जो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इनमें काफ़ी अच्छी रैंकिंग इनकी है, ठीक है। सिर्फ इंडिया के सारे स्टेट्स की बात करें, जैसे कि यूपी और बिहार की और असम की बात करें तो इनकी प्रोग्रेस बहुत स्लो है। तमिलनाडु की बात करें तो कहते हैं तमिलनाडु कैसे आगे, तमिलनाडु जो है पॉवर्टी खत्म करने के लिए, क्लीन और अफोर्डेबल एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। इसके अलावा बात करें कि केरला की, तो केरला जो है सुपीरियर परफॉर्मेंस रही किसके अंदर, हेल्थ, हेल्थ के अंदर, ठीक है, पॉवर्टी हंगर रिड्यूस करने के लिए, इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है केरला को टॉप पोजीशन दी गई है। हिमाचल के अंदर क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसके अलावा इनक्वालिटी खत्म करने के लिए और जो है माउंटेन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए जो है इनको जो है अच्छी रैंकिंग मिली है, ठीक है। इसके अलावा कह रहे चंडीगढ़ को भी अच्छी रैंकिंग मिली है क्योंकि वहाँ पे क्लीन वाटर और सैनिटेशन जो सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट है, केरला, हिमाचल और तमिलनाडु, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा देखिए उड़ीसा ने एक स्कीम लॉन्च की है कालिया,
कालिया स्कीम क्या है? देखिए कालिया है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम एगुमेंटेशन। इसके अंदर क्या होगा, देखिए नॉर्मल स्टेट्स अभी क्या कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस कुछ स्टेट्स में जैसे जीती है, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन्होंने वहां पे क्या किया है, लोगों के फार्मर्स के जो लोन्स हैं ठीक है उनको माफ कर दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं ये स्कीम उसके अगेंस्ट है, यानी कि अलग है। इस स्कीम में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करेगी फार्मर्स की, यानी कि करीबन कह रहे हैं 10,000 करोड़ का पैकेज है, जिसमें कि एग्रीकल्चर जो प्रोस्पैरिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और पॉवर्टी है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ये कह रहे हैं काफी मैसिव इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एग्रीकल्चर सेंटर सेक्टर के एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि जो है उससे फार्मर्स की मदद हो। देखिए उनका पैसा माफ करने से क्या होगा कि कल को कोई लोन लेगा तो वो भी पे नहीं करेगा। आज सपोज कीजिए 50% लोग पे करते हैं जो अपना पैसा लोन लेते हैं, कल को उन्हें लगेगा कि हमारा भी माफ हो सकता है, तो वो भी जो है पे नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं कि देखिए इस तरह काम नहीं चलेगा, ये और अच्छी चीजें देनी है, जैसे क्रॉप लोन दे दिया, 50,000 का क्रॉप लोन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो है कह रहे हैं कि इस स्कीम के अंदर जो लोन लेने वाले होंगे वो कोई भी, यानी कि लोन जिन्होंने लोन नहीं लिया वो भी हो सकते हैं, शेयर क्रोपर भी हो सकते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो ये बता रहे हैं। और जो कौन किसको मिलेगा ये लोन जीरो इंटरेस्ट पे वो डिसाइड कौन करेगा, उसके रिकमेंडेशन किससे जाएगी, ग्राम पंचायत से। इसके अलावा देखिए ये कह रहे हैं कि इस स्कीम को जो है लिंक नहीं किया गया कि आपके पास कितनी जमीन है, आपके पास कितनी भी लैंड हो सकती है, आप जो है शेयर क्रोपर्स भी हो सकते हैं ठीक है, या फिर आपके पास जो है बिल्कुल बहुत कम लैंड भी हो सकती है, तो भी आपको इस तरह के लोन दिया जाएगा और वो बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट होगा ठीक है। जहाँ कि आपने 10,000 लिया तो आपको अगर 5 साल में पे करना है तो 10,000 ही करना है, आपको कोई उस पर इंटरेस्ट नहीं देने की जरूरत है राइट। तो ये सब चीज़ें चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि करीबन 10 लाख हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा अगले 2 सालों में राइट। ये सब चीज़ें हैं, तो ये आप बोल सकते हैं आप कालिया स्कीम जो है कहीं 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 ना कहीं जो लोन वीवर की स्कीम है उसके उल्टा है, और ये इनकम को बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड को और इम्प्रूव करने के लिए असिस्टेंट जो है देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, और फिर आज आपको एनसीईआरटी की वीडियो भी मिलेगी 25 क्वेश्चन की 7th क्लास की, और मैंने बताई दिया एनवायरनमेंट की सीरीज भी आपको मिलेगी, और राज्यसभा का जो डिबेट हुआ है संडे को वो भी आपको वीडियो मिलेगी ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।